William Pettico. Don't be petty about it, keep an open mind. He was born in 1623 and he died in 1687. Uh, properly speaking, this is before what we would call the beginning of political economy, but he really does lay the foundation for political economy and he's a very important thinker because he influences Adam Smith and via Adam Smith also Karl Marx and many others. So, interestingly, he was also a music professor and he was also a professor of anatomy that's why he's holding this skull not because he's playing hamlet and he was interestingly also politically a supporter of cromwell 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 was a revolutionary overthrow the king etc and then uh, charles ii came back and exhumed the body of cromwell from his grave and hung up his body in front of

और एक्चुअली इसकी शायद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थेरी ऑफ वैल्यू की ही है उसके बारे में पढ़ेंगे वैसे अपने ज़माने के अंदर टैक्सेशन वगैरह और रेवेन्यू पे जो इसने लिखा था वो बहुत ही ज़्यादा अहम था मगर आज के ज़माने में जो टैक्सेशन रेवेन्यू पे उसने लिखा है वो इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखता जितना शायद मैं मेरे ओपिनियन में लेबर थैरी ऑफ वैल्यू उसकी रखती है ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ स्टिस्टिक्स बिकॉज इज़ वन ऑफ़ द फर्स्ट पीपल जिसने डेटा और स्टिस्टिक्स को इस्तेमाल करना शुरू किया टू अंडरस्टैंड द इकोमी ऑफ कोर्स उस जमाने के अंदर जो स्टिस्टिकल टेक्निक थी वो बड़ी ही एवरेज थी दैट्स ऑ नगर प्ले ऑन वर्ड्स क्योंकि बेसिकली वो यही करता था वो चीज़ें लेके उनकी एवरेज कर देता था इसके अलावा वो डेटा के साथ और कुछ खास करता नहीं था एवरेज़ के अलावा सो इट वीडी एवरेज फॉर दैट डे आजकल तो आप स्टिस्टिकल टेक्निक में बहुत सारी और चीज़ें हैं रिग्रेशन वगैरह शामिल हैं और वो यू नो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स वगैरह ये चीज़ें शामिल हैं तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर उस जमाने के अंदर या लॉग्रिदमिक वगैरह उस पर डाल देना बड़ा इंपॉर्टेंट है मगर उस जमाने के अंदर इतनी ही चीज़ थी मगर इंपॉर्टेंट बात यह फिर भी थी कि स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल करना उस जमाने के लिए बहुत नई बात थी और और उसके पीछे एक पूरी एक पूरा थाट प्रोसेस था जो बड़ा जरूरी है विलियम पेटी खुद लिखता है आई हैव टेकन द कोर्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ नंबर वेट और मेजर यानी कि इन टर्म्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स टू यूज ओनली आर्ग्यूमेंट्स ऑफ सेंस एंड टू कंसिडर ओनली सच कॉजेज एज हैव Visible foundations in nature, leaving those that depend upon the mutable minds, opinions, appetites, and passions of particular men to the consideration of others. So, just like you heard of William Petty, he says, "I want to look at facts. I don't want to look at opinions and you know passions and emotions and all these things. I want to look at the numbers and the facts, etc." So, that is a particular kind of approach that you'll see was very much inspired by Bacon, uh, not what you don't cook and other people cook but uh, francis bacon who himself was a great philosopher so uh, william petty first and foremost uh, you know belonged to some illustrious company he was secretary to thomas hobbes and very much inspired by thomas hobbes hobbes nee barakalikhalidi uski soch ki development mein and so on hobbes ne ek mein likha tha ki jo bhi society theory hai, it should set out rational requirements for two things civil peace and material plenty ठीक है कि अमन भी होना चाहिए और प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए हॉब्स ने लिखा तो विलियम पेटी ने ये सोचा कि जो अमन वाली बात थी वो तो हॉब्स ने खुद ही कर दी जब उसने लवायथन की बात की कि ड्रोना किस्म का कोई की कोई रियासत होनी चाहिए जो सबको दबा के रखे बंदा बना के रखे वरना हम एक दूसरे को कत्ल कर देंगे लाइफ विल बी नास्टी ब्यूटिस इन शॉर्ट तो क्योंकि हॉब्स इट ऑलरेडी टेकन अप दिस एस्पेक्ट तो फिर पेटी ने सोचा कि चलो मैं फिर जरा मटेरियल प्रॉस्पर्टी यानी इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता हूँ द वे विलियम पेटी की दिलचस्प बात आपने ऑलरेडी सुन ली है कि इज अ मैन ऑफ मेनी टेस्ट इज अ साइंटिस्ट यू नो आई मीन एनाटमी भी पढ़ी हुई है म्यूजिक भी पढ़ा हुआ है यू नो इकोनॉमिक्स भी कर रहा है स्टिस्टिक्स भी कर रहा है टैक्सेशन को भी देख रहा है बहुत सारी मुख्तलि चीज़ें uh, जो है ना ही अ अ यू नो ऑफ 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 दैट पर्सन जो कि बिट हीसोस काइंड ऑफ पर्सन He like to do a little bit of everything. So he came up with this idea which he calls political arithmetic. Today we call it स्टेटिस्टिक्स और वो क्या थी फ्रांसिस Francis Bacon से इंस्पायर inspired. थी. अच्छा Francis Bacon ने हमें ये कहा समझाने की कोशिश की कि देखो जी जो जिस तरह से आप साइंस करने की कोशिश करते हैं ना ये अच्छा तरीका नहीं है बल्कि आपको साइंस ऐसे करनी चाहिए कि आप बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करें दुनिया के बारे में बहुत सारी observations करें और उन ऑब्ज़रवेशन से फिर आप थियोरी निकालने की कोशिश करें ठीक है सो मिसाल के तौर पे आप लम्स के सारे ग्रेड्स जो हैं वो पहले आर ओ से जाके हासिल करें और फिर उन ग्रेड्स को लिखें बॉयज़ और फिर इस तरह लिखें गर्ल्स और देखें एवरेज ग्रेड ऑफ बॉयज क्या है और एवरेज ग्रेड ऑफ गर्ल्स क्या है और उसको जब एवरेज आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बता गर्ल्स आर बीटिंग बॉयज और बॉयज़ आर बीटिंग गर्ल्स सो फ्रांसिस बेकन का आइडिया जो था वो आप समझ गए हैं कि क्या है कि ऑब्जर्वेशन से थ्योरी निकालनी थ्योरी का बात का मसला है लॉ बात का मसला है पहले आपने ऑब्जर्वेशन करनी है उनको उनका एक टेबल बनाना है जब आप टेबल बनाएंगे उसमें से आपको पता चलेगा कि क्या पैटर्न हैं रिलेशनशिप्स हैं ठीक है सो so, uh, इसको हम एक अप्रोच कहते हैं पर्टिकुलर अप्रोच कहते हैं इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग सुना ये कभी जैसे डिडक्टिव रीजनिंग होती है उसके ऑपोजिट हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग होती तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग ठीक है और ये फ्रांसिस बेकर ने मेथड डिवेलप किया और पेटी uh, को ये विलियम सॉरी विलियम पेटी को ये मेथड बड़ा अच्छा लगा सो अदर पर्सन दैट इज इंस्पायर्ड बाय एन एडिशन टू हॉब्स इज बेकन ठीक है बेकन um, की उस वक्त जो टेक्निक्स थी इंडक्टिव रीजनिंग की टेक्निक्स थी वो रॉयल सोसाइटी के अंदर बहुत पॉपुलर थी रॉयल सोसाइटी बाय द वे ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया साइंस की डेवलपमेंट में फिजिक्स Newton, की डेवलपमेंट में आई I मीन mean, इतना कुछ यू कैन डिस्क्राइब सो मच टू द रॉयल सोसाइटी इज रियली क्वाइट फिनल सो इन दिस वे पेटी ये ऑल्सो लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न सेंसिस टेक्निक्स कि कैसे आपने जाके पता करना है कि आबादी कितनी है कितने लोग क्या काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह और आपको पता है कि अब पॉलिटिक्स में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी डिलिमिटेशन का मसला और ये वाला सारा मसला जो है वो सेंसिस के साथ ही जुड़ा हुआ है कंस्टिट्यूंसीज की अपनी डिवेलपमेंट का मसला वगैरह वगैरह तो और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर तो इलेक्शन भी इसी वजह से डिले हुआ है डिलिमिटेशन ऑफ़ द कंस्टिट्यूंसी की वजह से तो यू कैन ब्लेम विलियम पैटी फॉर दिस विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स उसकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है चाहे जब आप वो कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे आपको महसूस करेंगे कि तो थोड़ी सी बात में इतनी बड़ी बात कह गया मगर बहरहाल ऐसे ही है विलसिटी ऑफ मनी पे वो बात करता है अगर आपने क्वान्टिटी थियरी ऑफ़ मनी पढ़ी है जिस जिसपे वो बात करता है उसकी फर्स्ट डिवेलपमेंट आपको नजर आएगी यहाँ पे विलियम पैटी के अंदर अगर आपने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ी है तो मुझे बता सकता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया थी बताई थी सो वेलोसिटी ऑफ मनी इज द स्पीड एट व्हिच अ नोट ऑफ मनी चेंजेस हैंड्स हाउ मेनी टाइम्स मनी टाइम चेंज हैंड्स आपको सौ रुपए का वो नोट दिया आगे आपने उस सौ रुपए से और चीज़ खरीदी आपने कुछ और चीज खरीदी आपने कुछ और चीज खरीदी तो वो मनी जो है इज चेंजिंग हैंड्स कितनी स्पीड पे वो जाता है ट्रैवल करता है थ्रू द इकॉनमी दैट्स द वेलोसिटी ऑफ मनी ठीक है सो दैट्स वन ऑफ हिज कॉन्सेप्ट्स आई मीन अर्ली फॉर्मुलेशन ऑफ इट विलियम पेटी उसमें किरदार अदा करता है कहता है फॉर मनी इज़ बट द फैट ऑफ द बॉडी पॉलिटिक यू कैन सी कि उसको एनेटमी uh, का बड़ा शौक था ठीक है ना और ये फैट उस ज़माने में बुरा नहीं समझा जाता था भाई देवे अब तो हम कहते हैं ओ हो फैट चढ़ गया बड़ा बुरा हो गया वो कहता है इट इज़ द फैट ऑफ द बॉडी पॉलिटिक वेर ऑफ टू मच डॉफन हिंडर इट्स एजिलिटी अगर फैट कम हो जाएगा तो बॉडी जो है वो ठीक नहीं चल सकेगी एज टू लिटिल मेक्स इट सिक अगर बहुत कम फैट होगा तब भी आप बीमार हो जाएंगे ठीक है सो डॉथ मनी इन द स्टेट क्विकन इट्स एक्शन फीड्स फ्रॉम अब्रॉड इन द टाइम ऑफ डर्थ एट होम जब घर में कम होता है बाहर से आ जाता है ताकि इकोनॉमी से इतना चल सके यानी कि इकोनॉमी इज लाइक इफ इट्स इज संग इट्स लाइक द फैट इज सेइंग इट्स लाइक द ग्रीस दैट अलाउज द इकोनॉमी टू फंक्शन Because it allows trade to function. If commodities are flowing this way, money is flowing the other way. And that's what is making things work. If there is too little of it, then trade can't happen. Why can't trade happen? I have explained it in the previous class. Because there will always be a problem in That we are not always equal goods. We are not always exchanging equal value of goods. So, that's uh, an interesting anatomy, analogy for economics. जो सबसे फेमस उसकी बात है जो कई जगह कोट कोर्ट होती है वो ये है कहता है द मदर एंड फादर ऑफ़ प्रोडक्शन कहता है लैंड एंड लेबर आर द मदर एंड फादर ऑफ प्रोडक्शन तो दैट्स क्वाइट नाइस सेइंग आई थिंक लैंड इज़ द मदर Of production and labor is the father of production. All things ought to be valued by two natural denominations, which is land and labor. So, two main things <laughs> are the determinants of production, of value, of everything, of pretty much all economics land and the work you put into the land. Also, he defended usury. You'll see that he established that interest rate was related to risk and therefore that usually was fine he defended it he said well could and then he came up with the idea of vedere vult from which laissez-faire is derived and he opposed any kind of regulation of international trade which is, puts him in the same category as thomas Munn, in the sense that he's also saying be, uh, ye tariff barriers duty shooters hichini lagaya karo. एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द division ऑफ़ लेबर और ये बड़ी दिलचस्प किस्म की कहानी है कि वो डच शिप यार्ड वर्कर्स को देख रहा था इंग्लिश शिप यार्ड वर्कर्स जो थे वो एक पूरी की पूरी किश्ती शुरू से ले कर आखिर तक बनाते थे फिर एक और किश्ती आती थी फिर वो उसको बनाते थे. फिर, बनाते थे फिर एक और बनाते थे फिर एक और बनाते थे मगर जब उसने डच शिप यार्ड वर्कर्स को देखा तो उसने ये देखा कि छोटी छोटी टीम्स बनी हुई हैं और हर टीम जो है ना वो एक काम करती है वो पूरी शिप नहीं बनाती तो वो एक काम करती है मिसाल तौर तो पे एक टीम जो है वो मास्क बना रही है एक टीम जो है वो हल बना रही है एक टीम जो है कुछ और बना रही है वगैरह और क्योंकि वो टीम जो है अपने काम पे फोकस कर रही है सिर्फ अपने नैरो स्पेशलाइजेशन कर रही है तो उसकी उसमें वो बेहतर होती चली जाती है इसको हम डिवीज़न ऑफ़ लेबर कहेंगे और ये आइडिया ऑब्वियसली फिर बाद में एडम स्मिथ ने भी टेकअप किया और कार्ल मार्क्स ने भी किया रिकार्डो ने भी किया कई इकोनॉमिस्ट ने किया सो पैठी इज़ वन ऑफ द पीपल टू हैव स्टार्टेड इट लो जी अब हम एक्चुअल रीडिंग की तरफ आते हैं ये छोटी सी समरी थी अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं कि पेटी ने लिखा क्या हुआ अच्छा जी सो so, चार्जेस uh, से मतलब ये वाला चार्ज नहीं जो कैवलरी वाला चार्ज है उसका मतलब ये है कि टैक्सेस, ठीक है तो कौन से किस्म के टैक्सेस है वो कहता है द चार्ज ऑफ द मिलिशिया सबसे पहले फौज को कि कीप के लिए आपको टैक्स लगाना पड़ेगा उसके बाद वो कहता है मेंटेनेंस ऑफ द गवर्नर्स चीफ and subordinate governors वगैरह जो हैं उनके लिए इतना पैसा होना चाहिए आपके पास कि उनको मेंटेन कर सके मगर सिर्फ मेंटेनेंस ही काफी नहीं है आगे वो लिखता है, इन such a degree of plenty and splendor as private endeavors in calling seldom reach onto यानी कि जो प्राइवेट वेल्थ है उससे ज्यादा गवर्नर के पास पैसे होने चाहिए so that they have the power to act जरा ठाट-बाट होनी चाहिए स्प्लेंडर होना चाहिए गवर्नर का गोवना ताकि फिर वो वो काम कर सके जो उसका काम है करने वाला विजिबल स्प्लेंडर सो दैट ही कैन रिवॉर्ड इन पनिश किंग का भी जो स्प्लेंडर होना चाहिए वो विजिबल किस्म का स्पलेंडर होना चाहिए ये नहीं कि तैमूर रहमान की तरह आके ये कह मैंने बड़ा पढ़ा हुआ मेरी बात मानो नहीं उसके पास वेल्थ होनी चाहिए ताकि लोग जो है उस वेल्थ को देखें और वो जो लोग उसकी बात माने वो उनको रिवॉर्ड कर सके जो ना माने उनको चंडे करा सके और इस तरह से वो अपना काम निकलवा सके शेरफ्स भी हैं जस्टिसज ऑफ द पीस भी हैं कॉन्स्टेबल्स भी हैं चर्च वार्डन्स भी हैं इन सब को भी पैसे देने हैं ताकि ये अपना अपना काम कर सकें तो ये भी टैक्स की ज़रूरत है उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बड़ी ज़रूरी है जहरी बात, ज़िए बात ज़िए है जजेस वगैरह हैं द पेस्टरेज ऑफ मैं सोल्स एंड द गाइडेंस ऑफ दर कॉन्शंसिस से मुराद ये है कि जी चर्च को भी पैसे देने हैं क्योंकि मैं सोल का भी ख्याल रखना है सोल का ख्याल रखने वाले कौन से लोग हैं जो चर्च के लोग हैं तो मौलवी सॉरी वो पादरी हजरात को भी जो है वो कुछ पैसे पूसे देने हैं क्या, क्या क्या कि वो प्रो स्टेट भी रहे ना ये भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टेट उनको पैसे देगी तो वो प्रो स्टेट होंगे ना तो फिर ये भी ज़रूरी है फिर पब्लिक सर्विस है वो भी प्रोपोशनेबल स्पलेंडर के साथ लोगों को देना है कि जो पब्लिक सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको भी इतनी ठाट बाट में रखना है कि भाई लोगों की बात मारें चार्ज ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह को भी पैसे देने होंगे ताकि वो पढ़ाते पढ़ते रहें मनी फॉर रिसर्च थोड़ा सा लहदा है जो बड़ी स्किल्ड किस्म की कुछ चीज़ है उसके लिए भी हमें पैसे चाहिए और मेंटेनेंस ऑफ ऑर्फनस के लिए भी हमें थोड़े से पैसे चाहिए क्योंकि वरना तुम बेचारे मर जाएंगे क्या होगा आर्म्स ऑफ द पोर एंड स्टाविंग भी चाहिए थोड़े बहुत कि चलो गरीबों को पैसे दे दें जिंदा रहें उस ज़माने के अंदर ये इसलिए भी बड़ा जरूरी था कि अगर यू नो बिकॉज स्टेट्स वांटेड टू हैव बिग पॉपुलेशन पॉपुलेशन वेरी वेरी स्मॉल और अगर लोग मर जाएँ तो एक्चुअली स्टेट कमज़ोर हो जाता था क्योंकि पॉपुलेशन आउट हो जाती थी चार्जेस ऑफ हाईवेज़ हैं नेविगेबल रिवर्स हैं, एक्वाडक्ट्स हैं ब्रिजेज हैं हेवन्स वगैरह ये आपने बनाने हैं तो इसके लिए भी आपको पैसे चाहिए और फिर मिसेलिनियस और ख़र्चे भी होते हैं तो इस तरह उसने फोर्टीन पॉइंट्स दे दिए कायदे अज़म वाले <laughs> तो ये फोरटीन चीज़ें फॉर विच वी रेज आर टैक्सेस पहला वो पूरा चैप्टर जो आप पढ़े थे जिस जिसमें इतनी मुश्किल थी इतनी सादा सी बात थी कोई मुश्किल बात थी ही नहीं ये आप फोटी पॉइंट्स लिख देते तो हमें बात समझ आ जाती जा है एड साडा टाइम ज़ाया कीता है ठीक की करिए चैप्टर थ्री में वो कहता है हाउ द कोजेज ऑफ द अनकुट बेयरिंग ऑफ टैक्सेस मे बी लेसेंड यानी कि अब अपने टैक्स निकालने ही निकालने हैं तो उसकी वजह से लोग जो है खफा होते हैं तो कैसे हम लोगों से टैक्स निकालें जिससे लोग जो है वो ज़्यादा हमारे खिलाफ बगावत बघवत ना करें कहता है द सॉफ्ट एंड आफ्स मोर देन ही नीड्स ये लोगों की हमेशा कंप्लेंट होती है कि हर वक्त हमसे टैक्स वसूल कर रहे होते हैं जिस तरह आजकल हमसे वो कहते हैं बिजली पे भी आपको टैक्स दे और मजीदी देना पड़ेगा आप खुश हो जाएं अक्टूबर के अंदर बिजली दो रुपए और महंगी हो जाएगी आप शायद सोच रहे हैं सर जहाँ इतनी महंगी हो गई है बस दो रुपये और हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा मगर बहरहाल पेट्रोल भी महंगा हो गया है डीजल भी महंगा हो गया गैस भी महंगी हो गई है और अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है कि अगरचे पूरे ख़त्े के अंदर सिक्स पॉइंट आई थिंक सिक्स परसेंट इन्फ्लेशन uh, होगी इंडिया बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका वगैरह के अंदर पाकिस्तान के अंदर सिक्स जहाँ खत्ते में सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट हो रही पाकिस्तान में कितनी होगी पच्चीस फीसद होगी तो कंक्रेचुलेशन पाकिस्तान इज बे हेड एज रीजन इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन और दूसरी तरफ जीडीपी ग्रोथ, ग्रोथ के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट लिखी है कि रीजन के अंदर जो ग्रोथ रेट एवरेज ग्रोथ रेट वो है 5.6 पॉइंट परसेंट वाह दैट्स नॉट बैड फाइव परसेंट ग्रोथ बड़ी होती है यार ऑलमोस्ट सिक्स परसेंट ग्रोथ हो रही है फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट और पाकिस्तान में वो कितनी होगी फिक्र ना करें वन पॉइंट नाइन परसेंट होगी ठीक है और क्योंकि हमारा जो ग्रोथ रेट है यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम से कम दो फीसद से तो ज़्यादा ही होती है तो इसका मतलब है एक्चुअल पर कैपिटल टर्म्स में हम पहले से ज़्यादा गरीब हो जाएंगे ये अच्छी बात है हम पहले से ज़्यादा गरीब हो जाएंगे हमारे में ह्यूमिलिटी पैदा होगी शायद

तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम आपसे बेवक़्त टैक्स लिया करें और ज़्यादा टैक्स लिया करें बाकायदगी से अगर टैक्स लोग देते रहें बाकायदगी से अगर हम टैक्स लोगों से लेते रहें बाकायदगी से अगर लोग टैक्स देते रहें तो फिर ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी एक साल या किसी एक सीज़न या किसी एक महीने में धड़हल करके सारा ही टैक्स लगा दिया जाए कि जी हमने इंटरनेशनल मॉन्ट्री फंड से पैसे लिए हैं तो अब पिछले कई सालों से हम अपनी हुकूमत और अपना बैन और अपनी बैन अवी तजारत क्योंकि कर्जे पर चला रहे हैं तो इस साल हमने सारे का सारा वो कर्जा पूरा करना है आपसे आपकी खाल उधेड़ के ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बायदगी से टैक्स देंगे दूसरा वो ये कहता है टैक्सेस शुड बी प्रोपोर्शन टू ऑल यानी जिसकी जितनी इनकम है या जिस जितना जिसका जितना लैंड है उतना ही उसे पैसे लो जैसे इज नाइदर अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम नॉर अ रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम ठीक है जितनी जिसकी है वो कहता है फिर इस तरह आपस में लोग जो हैं वो उसी लेवल पे रहते हैं जिस 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 लेवल पे वो पहले थे और इस वजह से टैक्स की वजह से अगर मैं आपसे पाँच गुना आगे गए हूँ तो टैक्स के बाद भी मैं आपसे पाँच गुना आगे गए तो लोग फिर इस माइंड नहीं करते लोग कहते हैं चलो वो हमारे आपस में तो उतना ही है ना सबसे बराबर लिया है तो कहता है प्रोपोर्शनेट करो इफ एनी वन इज टैक्स अबव देयर नेबर्स इट इज़ नॉट बाई डिज़ाइन ऑफ द सॉवरेंट बट बाई टेम्प्ररी असेसर दिस कैन बी फिक्सड विद बेसिकली रिपेट उसके अल्फाज का यही मतलब है कि कभी कभार असेसर जो है वो दो आप नेबर्स हैं आपके पास भी उतने पैसे हैं आपके पास भी उतने मगर आपसे ज़्यादा ले लिए गए आप नाराज़ हो जाएंगे तो इस सिचुएशन में स्टेट को ये करना चाहिए कि अगर गलती से असेसर ने गलत असेस कर दिया आप ज़्यादा ले लिए तो आपको रिबेट दे दिया जाए नेक्स्ट टाइम आपसे टैक्स कम ले लेंगे टैक्स मनी स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट ऑल्सो क्रिएट्स जॉब्स तो लोग कहते हैं जी आप टैक्स तो हमसे ले, ले लेते हैं मगर फिर आप उसे एंटरटेनमेंट करते हैं ये क्या बात हो रहा है ये क्या चक्कर हो रहा है तो वो जवाब ये देता है कि जी फ़िक्र ना करें जो बादशाह सलामत के कोर्ट के अंदर एंटरटेनमेंट हो रही है जो वो शराब पी रहे हैं फ़िक्र ना करें उसे ब्रूअर्स को भी तो पैसे मिल रहे हैं ना जो लोग शराब बना रहे हैं उनको पैसे मिल रहे हैं जो हम खाना खा रहे हैं उनको बेकर से पैसे मिल रहे हैं जो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं उसे टेलर उसको पैसे मिल रहे हैं जो शू मेकरस हैं हमारे लिए अच्छे अच्छे जूते बना रहे हैं उसे शू मेकरस का रोज़गार चल रहा है तो आपको क्या तकलीफ़ हो रही है अगर ये एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा इस्तेमाल हो भी रहा है तो उससे भी लोगों के को रोज़गार मिल रहा है खुश हो जाइए आगे सुने तो कहता है किंग ओनली गिव्स टू इस फेवरेट्स लोग कंप्लेन करते हैं कि जी जब आप फेवर देते हैं किसी को तो अपने फेवरेट्स को ही फेवर देते हैं तो कहता है uh, को फिक्र ना करें फेवरेट्स को अगर दिया भी है कुछ तो उन्होंने भी आगे किसी को देना है तो उस आपको भी मिल जाएगा ठीक है ना तो हमने किसी को दिया आगे उन्होंने किसी और को दे दिया तो इस तरह करके द देल्थ फ्लोज फेवरेट्स कीप चेंजिंग एनी वे इन दिस वे द फेवर्स सर्कुलेट आज मुझे हसान पसंद है तो कल मुझे कोई और पसंद है तो परसों मुझे शयान पसंद है तो उस तय मैं उसको आज ग्रेड ज़्यादा दे, दूं। तो दे दूंगा कल तुझे दे दूंगा ज़्यादा ग्रेड फिक्र ना कर ठीक है ना फिर कहते हैं वैन पीपल डोंट पे देर टैक्सेस द स्टेट हैज टू पनिश एंड दिस क्रिएट्स हेट्रेड तो ये नहीं होना चाहिए आप बर वक्त टैक्स लें और पूरा पूरा टैक्स लें ताकि ऐसी सिचुएशन में ना जाएं कि जिसमें आपको लोगों को मारना पीटना पड़े टू तो गेट टैक्सेस आउट ऑफ दैम उस ज़माने के अंदर ये भी कर लिया करते थे बादशाह कि अगर कोई टैक्स नहीं देता था तो उसको काफ़ी फेंटी पड़ती थी इग्नोरेंस ऑफ द वेल्थ ऑफ पीपल ऑफन क्रिएट्स नीडलेस ट्रबल के असेसमेंट में प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं तो इसके लिए जो स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स मैं बना के दे रहा हूँ वो बड़ी यूज़फुल है तो वो इस्तेमाल करेंगे तो आप बेहतर तरीके से असेस कर सकेंगे कि कौन कितने पैसे दे सकता है उसको ठीक टैक्स लगाएंगे बजाय इसके कि तुक्का लगाएं आपके यार ये बंदा जो है ना इसके बाल ठीक नहीं लगते इससे मैंने ज़्यादा पैसे नहीं लेने और इसके बड़े ये बड़ा स्टाइलिश है तो इससे मैंने ज़्यादा पैसे इस तरह ना करें आप तो असेसमेंट का तरीका आपके पास ठीक होना चाहिए द प्रिंस डजेंट नो वॉट पीपल कैन बेयर उस प्रिंस को नहीं पता होता कि भाई कौन कितने पैसे दे सकता है तो इसीलिए हमें टैक्सेशन सिस्टम को थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा सो दैट ये मसला ना हो एंड अब्सक्योरिटीज़ एंड डाउट्स लीड टू रिप्रेशन और इसलिए हमें जो है ना ट्रांसपेरेंसी वगैरह चाहिए अपने सारे टैक्स वाले सिस्टम के अंदर तो इस तरह से बेहतर फिर हम चल सकेंगे कहता है पॉपुलेशन ब्रिंग्स वेल्थ टू द स्टेट जितनी बड़ी आबादी होगी उतना अच्छा है सो दिस इज़ वेरी लाइक सॉर्ट ऑफ स्टेंज टू रीड ना बिकॉज आज के ज़माने के अंदर सारे इकोनॉमिस्ट जो है उल्टा कह रहे होते हैं और वो ये कह रहे होते हैं कि जी पॉपुलेशन कम करो पॉपुलेशन कम करो वगैरह तो उस जमाने के अंदर कोई भी ये नहीं सोचता था कि पॉपुलेशन कम करो जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतने ज़्यादा लोग होंगे जो टैक्स देंगे जितने ज़्यादा लोग होंगे जो टैक्स देंगे उतना उतनी रियासत ताकतवर होगी तो लिहाजा एवरी स्टेट वॉन्टेड टू हैव अ लार्ज पॉपुलेशन स्माल पॉपुलेशन ऑल्सो लीड टू लैक अ डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स इन दी आर्ट छोटी जहाँ पर आबादी होगी तो लोग जो हैं वो नेसेसिटीज़ की तरफ चले जाएंगे बेयरनेसिस पर काम करेंगे जहाँ आबादी बढ़ेगी तो वहाँ पे फिर ऐसे डिवीज़न ऑफ लेबर पैदा होगा जिसमें लोग जो है ना नई स्किल डेवलपमेंट करेंगे और ये बाय द वे उस ज़माने के सारे इकोनॉमिस्ट लिख रहे हैं कि अगर सिविलाइजेशन याद नहीं है इब्न खुल्दून में भी आपने पढ़ा कि अगर सिविलाइजेशन बहुत छोटी हो जाए आबादी बहुत छोटी हो जाए तो स्किल्स वगैरह जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं जब आबादी बढ़ती है तो फिर बेसिक नेसेसिटी से आगे, आगे आपकी और मजीद स्किल्स डेवलप होती हैं यही बात आपको याद नजर आ रही है स्केरसिटी ऑफ मनी लीड्स टू नॉन कलेक्शन ऑफ टैक्सेज हेयर यू लिटरली मीन स्केरसिटी ऑफ़ गोल्ड एंड सिल्वर अगर गोल्ड एंड सिल्वर कम हो जाए तो फिर टैक्स की कलेक्शन बड़ी औखी हो जाती है मुश्किल हो जाती है ये एक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पे ऑल टैक्सेस इन मनी ये इज एक्नोलॉजी कि ये थोड़ा औखा काम है कि आप टैक्स जो है वो हमेशा पैसे में देंगे जब आपको पैसे में देना होता है तो फार्मर्स हैव टू सेल द प्रोडक्ट एट अ ब्रैड प्राइस टू पे टैक्सेज ऑन टाइम उनको ना जो उन्होंने अनाज वगैरह उगाया होता है फिर उनको भागे भागे जाना पड़ता है कि जल्दी जल्दी मैं इसको बेचूं, फिर उसको वो अच्छे दाम पे बिके बुरे दाम पे बिके मगर उनको फ़ौरन बेचना पड़ता है कि उसमें से मैं सिल्वर कॉइन्स कमा के तो गवर्नमेंट को टैक्स अदा कर सकूँ क्योंकि टैक्स देने का टाइम आ गया तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं इसलिए वो कहता है बेहतर है कि आप लोगों को इजाज़त इस चीज़ की भी दें कि अगर वो पैसे में टैक्स नहीं देना चाहते किसी और चीज़ के हवाले से टैक्स देना चाहते तो ये फैसिलिटी भी उनको दें आप टैक्स इन काइंड ओवरऑल टैक्स रेट शुड बी ऑप्टिमाइज्ड इस पॉइंट 17 में सिर्फ इतनी ही बात की कर रहा है वो थोड़े मुश्किल अल्फाज में कि जी अगर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो लोग जो है ना बिल साड़ देंगे और लोग कहेंगे जी मैं तो इतने पैसे दे नहीं सकता और रोटी महंगी हाय हाय के नारे लगाएंगे तो इसलिए और अगर टैक्स बहुत कम कर देंगे तो लोग टैक्स तो दे देंगे मगर एक्चुअली दे कैन अफोर्ड टू पे मोर सो यू हैव टू फाइंड द राइट स्वीट स्पॉट जिस तरह क्रिकेट में होता है ना कि आप वो टाइमिंग सही हो और बल्ले की सही साइड पे लगे तो बॉल उड़ता हुआ जाता है तो इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी ये होता है कि यू हैव टू फाइंड द ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ टैक्सेशन वहाँ पे लोग अदा भी करते हैं ऑन टाइम और मैक्सिमम रेवेन्यू भी आपको मिलेगी और मिनिमम प्रॉब्लम्स भी पैदा होंगी सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ले जी आगे देखते हैं जो ज़्यादा दिलचस्प उसकी फाइंडिंग्स और डिवेलपमेंट्स हैं और हैं वो देर एक्सप्लेन वेरी ब्रीफली मतलब वो को बड़ा लंबा पैसेज नहीं है एक दो पैराग्राफ्स के अंदर वो बात कर रहा है मगर बात ने एक डिबेट पैदा की एक नई सोच पैदा की जो बहुत ही अहमियत रखती है सो ऑल दो इट इज़ स्टेटेड इन अ वेरी शॉर्ट स्पेस यू थिंक ए पूरा थियरम होगा उसके पीछे है। और कोई फार्मूला भी होगा और ये सब कुछ होगा बट इट्स नॉट द केस मगर इट्स स्टक इन पीपल्स माइंड बिकॉज नो देव ही ही हैड मैनेज टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज थिंग्स दैट

और वो चीज़ें भी शामिल होती हैं जो आपके करंट अकाउंट वगैरह के अंदर पैसे पड़े होते हैं यानी कि वो एक्चुअल मनी नहीं होता मगर आपके अकाउंट में तो पैसे पड़े किसी वक्त आप मनी विद्रॉ कर सकते हैं तो उस इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है ठीक है और लोन्स वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं तो दैट मेक्स अप द मनी सप्लाई और उसके बाद है विलोसिटी ऑफ मनी दिस इज द स्पीड एट विच मनी चेंजेस हैंड्स यानी अगर आपके पास मेरे पास सौ रुपये का नोट है तो वो कित और मैं चीज़ें खरीद रहा हूँ तो वो सौ रुपये का नोट ठक 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 कितने लोगों में जाएगा एक साल के अंदर दैट्स क्वेश्चन दैट्स वेलोसिटी ऑफ मनी ठीक है ऑन एवरेज हाउ फास्ट मनी चेंज हैंड्स उसके साथ है पी पी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस दीज डेज बिकॉज दैट्स द प्राइस लेवल इससे हमें इन्फ्लेशन पता चलेगी कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है कम हो रही है ओवरऑल प्राइस लेवल सारी प्राइसेस को अगर मिला लें तो वो हमें बताता है प्राइस लेवल ठीक है जो आज हम दुनिया के अंदर सीपीआई से मेजर करते हैं ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या एसपीआई से मेजर करते हैं विच सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स ठीक है ये दोनों हमारे पास मेजर्स हैं और भी हैं मेजर्स मगर ये मेन मेजर्स हैं ठीक है एंड देन इज टी टी इज द टोटल ट्रेड इन दैट सोसाइटी टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड इसको आप जीडीपी भी कह सकते हैं कि कितना कितनी चीजें जो हैं कितने कितनी, कितनी गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुई हैं सो पी टी इज इक्वल टू टू सॉरी जी डी पी तो ये दोनों मिला के फिर ऑब्वियसली द प्राइस लेवल इन टू द नंबर ऑफ गुड्स दैट इज प्रोड्यूस इज द टोटल आउटपुट ऑफ योर इकोनॉमी सो टोटल मनी जितनी दफ़ा हाथ चेंज करता है इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ़ गुड्स प्रोड्यूस्ड अब इस रिलेशनशिप में ये है कि अगर मनी ऊपर चला जाए हम सारे इकोनॉमी से ज्यूम करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मनी जो है ना मोर लेस कॉन्स्टेंट होता है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता कर सकता है मगर जनरली स्पीकिंग चेंज नहीं करता क्योंकि हर महीने मुझे तनख्वाह मिलनी है हर महीने जो मुझे तनख्वाह मिलनी है उसमें से एक हिस्सा मैंने रेंट पे देना है एक हिस्सा मैंने खाने में देना है एक जारा जोही के मैंने फ़ीस देनी है वगैरह वगैरह अपने यू you नो know, जो भी सो so, वो बड़ी रेगुलर इंटरवल्स पे मोस्ट ऑफ माई इनकम गेट्स यूज इन अ वेरी रेगुलर वे विद रेगुलर इनकम इंटरवल्स जबकि वो पैसा जो एक महीने से दूसरे महीने ऊपर नीचे जाता है जो मेरे फजूल खर्चियाँ होती हैं कह सकते हैं आप तो वो जो है इज नॉट बिग प्रोपोर्शन ऑफ माई मनी एंड हैंड्स दैट मींस दैट व विलासिटी ऑफ मनी ओवरऑल इन एन इकोनमी स्टेज रेजिटिवली स्पीकिंग कॉन्स्टेंट नॉट ऑलवेज लेट मी से नॉट ऑलवेज दे कैन बी अप डाउंस ह्यूज अपड डाउन इन द इनॉमीट कैन कॉज दिस टू गोल बट लेट्स अज्यूम इट टू बी कॉन्स्टेंट सो इसका मतलब ये कि अगर एम हम बढ़ाएंगे और टी जो है यानी क्वान्टिटी ऑफ गुड जो है वो ज़्यादा बढ़ी नहीं है तो प्राइस लेवल को क्या होगा अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा और अगर मनी सप्लाई नीचे खेच लेंगे तो इन्फ्लेशन को क्या होगा इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी ये मेन रिलेशनशिप है सीधी सी बात है अगर बहुत ज़्यादा पैसा इंजेक्ट कर दोगे इकोनॉमी के अंदर तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी और अगर पैसा खींच के रखोगे थोड़ा सा तो पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी ठीक है बहुत ज़्यादा गोल्ड अगर इकॉनॉमी के अंदर आ जाए बहुत ज़्यादा सिल्वर एकदम से इकोनॉमी के अंदर आ जाए तो क्या होगा सिल्वर की वैल्यू गिर जाएगी गोल्ड की वैल्यू गिर जाएगी और अगर सिल्वर और गोल्ड मिल ही नहीं रहा किसी को स्केयरस हो गया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी अच्छा ये जो आइडिया है कि मनी को बढ़ा के आप इकोनॉमी को स्टिमुलेट कर सकते हैं ये बेसिकली आइडिया मॉडर्न मॉनिट्री थेरी का भी फंडामेंटल आइडिया इधर से एक्सट्रैक्टेड है और uh, काफ़ी हद तक केन्स का भी आइडिया यहीं से एक्सट्रैक्टेड है इन द सेंस कि वो ये कहता है कि जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो अनीमिक uh, हो जाए एग्रीगेट डिमांड ना हो इकोनॉमी के अंदर तो फिर आप फिजिकल uh, स्पेंडिंग uh, या यू नो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से इकोनॉमी को स्टिमुलेट कर सकते हैं ठीक है तो वही आइडिया जो आपका है मगर उस केस में यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू बी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द Average supply curve, uh, aggregate supply curve, that there has to be excess capacity. So you have to know why, why the economy is not is underperforming. And Then, if you inject money, then it might work. But if you just needlessly inject money, so there can be incredible amounts of inflation. Haan, wo inflation may inflation convert. In Germany, ke andar, jab de, de, uh, during the 30s, etc., 20s, and so on. हाइपर इन्फ्लेशन पे हो गई क्यों हाइपर इन्फ्लेशन हुई क्योंकि उन्होंने इतने पैसे छापे लोगों को पैसे देने के लिए कि वो मनी की वैल्यू ही तबाह हो गई इसी तरह इस वक्त अर्जेंटीना के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है बहुत हाई इन्फ्लेशन है आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है ना इन्फ्लेशन रेट इज ओवर हंड्रेड परसेंट लाइक हंड्रेड एंड थर्टी फाइव परसेंट रिडिकुलस लाइक दैट इसी तरह अगले दिन सोवियत यूनियन के बारे में बात हो रही थी, थी।, 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 थी। जब येल्सन आया तो येल्सन ने जब वो शॉक थेरेपी वगैरह की आईएमएफ की रेकमेंडेड इकोनॉमी नीचे जा रही थी टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी एंड टू पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड बिल्स एक्सेट्रा येल्सन ने खूब पैसे प्रिंट किए और लोगों को पैसे पकड़ाने शुरू कर दिए इलेक्शन से पहले नाइन्टी सिक्स का इलेक्शन था और इलेक्शन तो वो जीत गया क्योंकि उसने सारे वो पैसे लोगों को दे दिए मगर उसके बाद इतनी इन्फ्लेशन हुई इतनी इन्फ्लेशन हुई कि रूबल जो है वो रबल हो गया बिल्कुल तबाह हो गया तो और भी इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं मौसम भीक मे बीदर एग्जाम्पल आर मेनी एग्जाम्पल्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट कर दें एम ही नीडलेसली लोगों को पैसे पकड़ा दें तो हाइपर इन्फ्लेशन भी हो जाती है ठीक है तो इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि यू कैन जस्ट प्रिंट मोर मनी टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी अच्छा मैं इसमें एक और चीज़ शामिल ये करना चाह रहा हूँ कि इसमें जो मजीद दिलचस्प बात है वो ये है कि इसमें एक चीज़ होती है कॉल द मल्टीप्लायर इफेक्ट जो कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के थ्रू जाता है मैं आगे निकल गया हूँ वैसे आज की क्लास में ये पढ़ाना नहीं है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखो जो मनी सप्लाई करेंसी की मनी हार्ड करेंसी की सप्लाई है हार्ड करेंसी की मनी सप्लाई है वो जाती है आपकी जेब में आप डालते हैं उसको बैंक में बैंक जो है उससे बन, करता है लोन्स मगर बैंक जो उससे लोन्स करता है इज नॉट इक्वल टू द डिपॉजिट इट्स मच हायर देन द डिपॉजिट्स क्योंकि अगर मैंने पैसे जो हैं वो दिए एक लाख रुपए बैंक को और बैंक ने अंदाज़ा ये लगाना है कि मुझे सिर्फ टेन परसेंट लिक्विडिटी चाहिए Because 10 of the total deposits that I get, only about 10% people need the hard cash at any one time. So iska matla wo The fraction at which I can lend out means now that I can lend out a lot more. I just have to retain 10% liquidity. So if I have 100,000 rupees, on the basis of that, I can make out loans far in excess of 100,000 rupees because 100,000 rupees will act as my liquidity. Okay? so in fact, I can make out loans if on a 10% basis I can make out loans of on a hundred thousand you know rupees I can make out loans of hundred thousand मैं दे सकता हूँ you know, I can make out very very big loans और फिर वो मज़ेद loans जो हैं वो भी लोग बैंकों में जाके डालते हैं तो वो मज़ेद एक और deposit बन जाता है फिर उसको liquidity इस्तेमाल करते हुए मैं एक और loan कर सकता हूँ फिर वो भी मज़ेद वापस बैंक के पास जाता है फिर उसको liquidity बनाते हुए मैं एक और loan कर सकता हूँ तो इस तरह जब मैं इंजेक्ट करता हूँ पैसे इन टू द इकोनमी एज़ हार्ड करेंसी इंजेक्ट करता हूँ बाई प्रिंटिंग द मनी तो वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जाके वो मल्टीप्लाई हो जाता है मेनी टाइम्स ओवर और जो 90 परसेंट आपकी 95 फाइव समाइम्स नाइन्टी परसेंट आपकी जो करेंसी होती है किसी कंट्री की जो एक्चुअल मनी सप्लाई होती है वो हार्ड मनी सप्लाई नहीं होती वो होती है आपकी ओवरऑल मनी सप्लाई जिसमें बैंकिंग का वो सारा सिस्टम भी शामिल होता है बैंकिंग ने जो लोन्स में पैसे दिए हैं वो शामिल होते हैं तो so, इसका मतलब है कि मैं एक लाख रुपया अगर इंजेक्ट करूंगा ना तो वो एक लाख रुपये पे रुकेगा नहीं वो फिर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू मनी सप्लाई मेनी टाइम्स उससे ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन द रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड यू नो द फ्रैक्शन एट विच बैंक आर लेंडिंग एक्सेट्रा वो उसके मेनी टाइम्स बन जाएगा सो मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगी बहुत क्विकली थ्रू द बैंकिंग सिस्टम एंड थ्रू क्रेडिट इस वजह से uh, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लोग चाहते हैं वो ये कहते हैं कि मनी सप्लाई को कभी नहीं बढ़ाना चाहिए अगर इकोनमी जो है लेट से टू परसेंट पर ग्रो कर रही तो बस टू परसेंट से ज्यादा मनी सप्लाई नहीं आपको बढ़ानी मनी सप्लाई को खींच के रखो वरना इन्फ्लेशन बहुत, बढ़, जा, बहुत बढ़ जाती है थ्रू बिकॉज ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ठीक है तो आपकी बात का जवाब ये है कि ठीक है मैंने आपको लाख रुपए देकर कोई चीज बनवा ली मगर आगे वो जब बैंकिंग में घूमेगा ना और उससे जो क्रेडिट पैदा होगा तो वो बहुत लाख से बहुत ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा सॉरी यस वन ओवर द रिजर्व वन ओवर द रिजर्व रेशियो will be the will be the total loans that I can make uh, on that you know amount. So or up to by the way latest banking ki baat to ye hai ki reserve requirement hai hi nahi zero pe chali gayi hai. हाँ fractional reserve requirement रिजर्व रिक्वायरमेंट है ये जीरो पे चलेगी उसकी वजह ये कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अब क्योंकि सारा कुछ क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग से हो रहा है इंक्लूडिंग आपने पेमेंट भी आपने उस तरह करनी है आपने पैसे भी उस तरह वसूल करने हैं आपने जब किसी उस जगह पे जाना है कोई चीज़ खरीदने के लिए तो आप लिक्विड एक्चुअल हार्ड करेंसी तो नहीं कैरी करते आप ठक करके अपना क्रेडिट कार्ड लगाते हैं और वो ट्रांजेक्शन हो जाती है तो इस वजह से जैसे जैसे हार्ड करेंसी कम होती चली जा रही है और ये इलेक्ट्रॉनिक मनी बढ़ता चला जा रहा है तो रिज़र्व रिक्वायरमेंट और कम होती चली जा रही है सो एक्चुअली नाउ द फ्रैक्शन रिजर्व कैन गो टू इन्फिनिटी और जीरो राधा ठीक है ना यू कैन मेक एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लोन्स ऑन नो मनी एट ऑल Quantity of money and velocity. Now, as the proportion of the number of farthings request, requisite in commerce is to be taken from the number of people, the frequency of their exchanges, as also and principally from the value of the smallest silver pieces of money, so in like manner, the proportion of money requisite to our trade is to be likewise taken from the frequency of commutations and from the bigness of the payments that are by law or custom usually made otherwise. ठीक है नहीं समझ आई जरा आराम से इसको पढ़ते हैं फिर समझ आ जाएगी दोबारा से ना एज द प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ फादिंग्स फादिंग्स कहते हैं इसको पैसे को ठीक है रेक्वजेट इन कॉमर्स इज टू बी टेकन फ्रॉम द नंबर ऑफ पीपल यानी कि कॉमर्स को चलाने के लिए कई लोगों से आपने ये पैसे इकट्ठे करने हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सचेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सचेंज इज एज ऑल्सो एंड प्रिंसिपली फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट सिल्वर पीसिस ऑफ मनी सो इन द लाइक मैनर इन मच द सेम वे द प्रोपोर्शन ऑफ मनी रेक्विजेट टू आर ट्रेड इज टू बाइक वाइज टेकन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन जितनी दफा वो जितनी फ्रीक्वेंसी से वो चीज़ जो सिल्वर कॉइंस हैं वो एक्सचेंज कर रहे हैं दैट टेल्स यू के uh, uh, हमारी ट्रेड की एक सर्टन नेसेसिटी है नीड है और उससे डिटर्मिन होता है द बिगनेस ऑफ द पेमेंट्स दैट आर बाई लॉर कस्टम यूजुअली मेड अदरवाइज ठीक है सो बेसिकली ही इज डिस्क्राइबिंग हियर द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एज वेल एज वेलोसिटी कहता है लेट पीपल टेक पे टैक्सेस विद कमोडिटीज सो ही सेज इफ इस बी टू मच मनी इन नेशन वो जो आप कह रहे थे बात हेलो भाई अब सुनो ना तुम्हारी तुम्हारी बात हो रही इफ देर बी टू मच मनी इन नेशन इट वुड फॉर द कॉमन यानी सबके लिए एज वेल एज द किंग एंड नो हार्म इवन टू पर्टिकुलर मैन इफ द किंग हार्मिक किस इज सुपर हम ये मानते हैं कि अगर बहुत ज्यादा गोल्ड है जो कि आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका जो कॉमर्स है उसकी एक सर्टन उसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ आप मनी आपको चाहिए कि वो कॉमर्स ठीक तरह से चले ठीक है गिवन ए सर्टन विलोसिटी ऑफ दैट कॉमर्स आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए जिसकी नतीजे में आपका ये सारा कारोमदार बिजनेस ठीक चल सकता है अब अगर वो उससे ज्यादा हो तो हर बंदा ये कहता है ठीक है आपको जितने पैसे चाहिए थे अपने ट्रेड के लिए वो सोसाइटी में हैं इस वक्त जो एक्स्ट्रा पैसे हैं सिल्वर कॉइन्स हैं अगर वो किंग ले जाए तो उससे आपके बिजनेस पे नुकसान नहीं होगा आपके काम पे नुकसान नहीं होगा क्योंकि इकोनॉमी के अंदर उतने रेक्विजिट पैसे हैं जितने हमें चाहिए उस ट्रेड को चलाने के लिए तो ये आप सब मानते कहते हैं हाँ मानते हैं तो कहते हैं नो मोर देन इफ मैन वर पेमिटेड टू पे द टैक्सेस इन एनीथिंग दे बेस्ट पे तो इसी तरह अगर पब्लिक जो है वो अपने टैक्सेस पैसों में ना दे बल्कि चीजों में दे दे तो फिर भी वही रिलेशनशिप कायम रहेगा जैसे कि वो रिलेशनशिप था कि जैसे जब उन्होंने एक्सेस मनी जो है टैक्सेस में अदा कर दिया हो समझ आर्गुमेंट आर्ग्यूमेंट अब समझ जरा कॉम्प्लिकेटेड बात है तो अच्छा बट ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको समझने की कोशिश करनी है ठीक है वो ये है कि हर ट्रेड में आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए उसके बगैर वो इतने अगर पैसे कम पड़ जाए इकोनोमी के अंदर तो वो सारा मामला चल नहीं सकेगा ठीक है लिटिल मनी इन द इकोनॉमी फॉर द नेसेसरी ट्रेड टू अकर ट्रेड फंस जाएगा सो यू नीड सेट माउड मनी उसके एक्सेस अगर हो तो वो बादशाह को दिया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस विदाउट इंपैक्टिंग द इकोनॉमी इन ए नेगेटिव वे अगर अब हम लोगों से पैसों की शक्ल में ना वसूल करें टैक्स बल्कि अनाज की शक्ल में वसूल कर लें टैक्स तो फिर ये भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है To getting the money in terms of to getting the taxes in terms of the money, because it does not uh, 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 it does not cause any harm to the economy to the money required by the economy to continue functioning as it's functioning. So, isliye he advocates that you in kind taxes le But in advocating this, you can see that he has elaborated on the on the idea that a, an economy requires. A certain amount of coin in order to function smoothly. And that quantity of money, that money supply, could actually be in excess to the amount of money that you require to trade those commodities, or it can be below the amount of money that you require to trade those commodities. You me? Formula मगर इस कॉम्प्लिकेटेड पैसेज के अंदर बेसिकली उसने ये आइडिया क्लैरिफाई कर दिया ये उसका एक बहुत बड़ा एडवांस है एक पैराग्राफ के अंदर ही मुश्किल से पैराग्राफ के अंदर ही उसने ये बहुत बड़ा एडवांस करके दिया आगे चलते हैं लिखता है टू लिटिल इकोनॉमी विल डिक्रीज द इकोनॉमी टू सॉरी टू लिटिल मनी विल डिक्रीज द इकोनॉमी कैसे लिखता है वो कहता है इफ़ द लार्जनेस ऑफ अ पब्लिक एक्जीबिशन शुड लीव लेस मनी देन इज नेसेसरी टू ड्राइव द नेशन ट्रेड देन द मिस्िफ देयर ऑफ वुड बी द डूइंग ऑफ लेस वर्क विच इज द सेम एज लेसनिंग द पीपल और देर आर्ट एंड इंडस्ट्री यानी अगर मनी सप्लाई कम हो जाए बहुत कम हो जाए जिसकी वजह से ट्रेड नामुमकिन बन जाए या ट्रेड कम हो जाए तो ये ऐसे ही है जैसे आपने अपनी आबादी कम कर ली या आपने उसके अंदर स्किल्स कम कर ली टैक्सीज डू नॉट डिक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी वो शो करता है देर री एलोकेट रिसोर्स फ्रॉम द लैंडेड एंड लेजी टू द क्राफ्टी एंड इंडस्ट्रीज अब अगर हमने ये एक्सेस प्रोडक्शन पे टैक्स लगा लिया और उस टैक्स को फिर कहीं और खर्च तो करना ही है ना तो ये कोई बुरी बात नहीं इससे इकोनॉमी कम नहीं होगी बल्कि इससे सिर्फ ये होगा कि जो पैसे आपके पास पड़े हुए थे जो आप इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे जो एक्सेस थे वो हमने आपसे ले लिए और हमने इकोनॉमी के अंदर रीसर्कुलेट कर दिए इन टू प्रोडक्टिव थिंग थे। ठीक है तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की आर्ग्यूमेंट है एक्सेसिव टैक्सेशन कैन ब्रिंग अबाउट पॉवर्टी एंड क्राइम अगर ज्यादा टैक्स कर दो तो फिर ये होगा कि लोग जो है कांट मेक एंड्स मीट और वो भूखे होना शुरू हो जाए तो वो क्या करेंगे और रूल ऑफ लॉ स्ट्रॉग ना हो तो फिर वो जो है कोशिश करेंगे कि क्रिमिनल तरीके से कहीं से पैसे हासिल कर so, बहुत ज्यादा टैक्स भी नहीं करना बस अब मैं खत्म कर रहा हूं कई किस्म के तरीके टैक्स करने के एक है टैक्स ऑन द लैंड इन काइंड ठीक है आप लैंड पे टैक्स लगा सकते हैं एक है टैक्स ऑन रेंट ऑफ हाउसिंग दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड टैक्स ऑन लैंड सिंपल बिकॉज सम हाउसिज आर यूज इस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गेंद मिसाल तौर पर दुकान जो है वह एक घर है मगर दुकान भी है वहाँ पर आप जो है पैसे कमाने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं सम ऑफ़ दिस हाउसिंग टैक्स आर ऑल्सो मैंट टू प्रीवेंट बिल्डिंग्स इन सम एरियाज़ कुछ हाउसिंग टैक्सेज का मकसद ये होता है कि यहाँ बनाओ ही ना घर क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक ओपन फील्ड रहे है या कम घर रहें या जो भी और आखिर में वो ये कहता है रेंट ऑफ लैंड suppose a man could, with his own hands, plant a certain scope of land with corn. When this man had subdued his seed out of the proceed of his harvest, and also what himself had both eaten and given to others in exchange for clothes and other natural necessities, that the remainder of corn is the natural and true rent of the land of that year. What saying? That the revenue you have made, when you minus the cost it will natural rent of land. आप अपना लेबर और जितना लेबर आपने लगाया उसमें माइनस कर लेंगे तो वो नेचुरल रेंट पा जाएगा उसका एंड द मीडियम ऑफ सेवन ईयर्स और ऑफ सो मेनी मेक्स अप द साइकिल विद इन विच प्लेंटीज मेक द रेवल्यूशन डॉथ गरी रेंट ऑफ लैंड इन कॉन यानी कि इस चीज को सात साल की एवरेज लगा लें तो आपको पता चल जाएगा कि लैंड की का रेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये चार की तस्वीर मैंने इस तरह क्यों लगाई हुई उल्टा टांगा हुआ है सीधा टांगा हुआ है क्योंकि उस जमाने के अंदर रेंट एक्सट्रैक्ट करने का और टैक्सेस एक्सट्रैक्ट करने का एक तरीका ये भी था ठीक है मेक पे योर टैक्सेस अब वो लेबर ऑफ वैल्यू को भी लैबरेट करता है अगेन छोटा सा पैराग्राफ मगर रियली रियली हैवी 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 किस्म का पैराग्राफ हाउ मच इंग्लिश मनी दिस कॉर्न और रेंट इज वर्थ तो आपने एक चीज बनाई आपने कौन बनाई जमीन पे तो हाउ मच

जो टोटल कॉर्न प्रोड्यूस होगा और जो टोटल सिल्वर प्रोड्यूस होगा वो दोनों बराबर एक्सचेंज होने चाहिए एंड लाइक पार्ट्स ऑफ द वन द प्राइस ऑफ द लाइक पार्ट्स ऑफ द अदर सो जितनी कॉर्न प्रोड्यूस होगी और जितनी सिल्वर प्रोड्यूस होगी क्योंकि सौ बंदों ने दस साल काम करके और इधर भी सौ बंदों ने दस साल काम करके जो चीज प्रोड्यूस की है जो प्रोड्यूस है वो अब बराबर में एक्सचेंज होना चाहिए इस तरह उसकी प्राइस डिटर्मिन होनी चाहिए सो वॉट इज दिस दिस इज द लेबर थियरी ऑफ वैल्यू ऑलरेडी उसने कहा है कि द रिलेटिव प्राइसिस ऑफ कमोडिटीज

All value basically is land and labor, ठीक okay? है? The mother and father of production. A ship or garment is worth such a measure of land with such another measure of labor, ठीक है? अगर आपने ship है आपके पास या आपके पास कपड़ा है, तो आप उसको trade कर सकते हैं with another measure of labor. For as much as both ships and garments were the creatures of land and men's labor thereupon. <laughs> वो खुद labor से बनी नहीं है और दूसरी चीजें भी labor से बनी नहीं हैं इसीलिए इन दोनों चीजों को आप लेबर से कंपेयर करके एक्सचेंज कर सकते हैं दिस इज द लेबर थियरी द फर्स्ट डिवेलपमेंट मोर सोफिस्टिकेटेड डिवेलपमेंट ऑफ द लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू वैसे तो एरिस्टोटल ने भी कहा हुआ परचेज पीरियड ऑफ लैंड फिर वो कुछ छोटी सी साइड्स हैं मगर मैं बता देता हूँ द नंबर ऑफ ईयर एनी लैंड इज नेचुरली वर्थ टू बी दिन एक्सटेंट ऑफ थ्री सच सचन लाइफ ग्रैंड फादर फादर एंड चाइल्ड यानी ये कितनी देर के लिए जमीन खरीदनी चाहिए तीन लेवल्स होने चाहिए ग्रैंड फादर की जिंदगी पचास साल ठीक है आ, फादर बीस साल बच्चा सात साल तो आप पचास साल के लिए जमीन खरीद सकते हैं बीस साल के लिए खरीद सकते हैं या सात साल के लिए खरीद सकते हैं मगर दूसरे कंट्रीज के अंदर ये आगे पीछे किया जा सकता है लास्ट 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 स्लाइड प्रॉमिस यूजर इज कॉम्पनसेशन फॉर द इनकन्वीनियंस विच ही एडमिट्स अगेंस्ट हिमसेल्फ अगर मैंने आपको पैसे दिए हैं तो भाई मेरे पास तो वो पैसे नहीं है तो मैं इनकन्वीनियंट हो तो गया ना मेरे पास तो वो पैसे नहीं थे आपके पास चले गए तो फिर मुझे उस इनकन्वीनियंस के लिए भी तो कुछ पैसे मिलने चाहिए एग्जाम्पल वो देता है रेंट ऑफ सो मच लैंड इज द मनी लैंड विल बाय वेयर द सिक्योरिटी इज अनडाउटेड बट वेयर द सिक्योरिटी इज कैजुअल देन अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस मस्ट भी इंटरवोवन विद द सिंपल नेचुरल इंटरेस्ट जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है रेंट की तो वहाँ पर आप रेंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं करते हैं कि नहीं करते कहते हाँ जी करते हैं तो फिर कह रहा है इसी तरह इंटरेस्ट का भी मामला है कि जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है कि ये बंदा मुझे पैसे वापस नहीं करेगा तो वहाँ पर आपका हक है कि आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे उसे ले सकते आई सी नो रीजन फॉर एंडेवरिंग टू लिमिट यूजरी वन अपॉन टाइम एनी मोर देन अपॉन प्लेस यानी कि इस पर कोई लिमिट ना लगाए टाइम प्लेस वगैरह का कि यहाँ हो सकती यूजरी वहाँ नहीं हो सकती अब हो सकती कल नहीं हो सकती वैसे मैंने विलियम शेक्सपियर का ये भी चीज़ ऐड कर दी कहता है from, I think, the merchant of Venice. Care for us, true indeed, they never cared for us yet. Suffer us to famish, Bukam mar And their storehouses crammed with grain, jabke unke paas itne zyada grain hoti Make edicts for usury to support usurers. Repeal daily any wholesome act established against the rich. And provide more piercing statues daily to chain up and restrain the poor. वॉर वॉर्स ईट एस नॉट अप अगर जंग से नहीं हम मर गए हमें खा जाएंगे एंड दे लव दस यही वो हमसे प्यार करते हैं यही उनकी प्यार की निशानी है हमसे ये है वो उनका प्यार हमारे साथ है शेक्सपियर भी कोई छोटी शहर नहीं है लो जी आखिर में प्रॉमिस वाकई आखिर में ये देखो प्राइस ऑफ लैंड कहता है मार्केट फोर्सेज उसको ऊपर नीचे कर सकती हैं एज ग्रेट नीड ऑफ मनी हाइट एंड एक्सचेंज सो डॉट ग्रेट नीड ऑफ कॉन रेज द प्राइस ऑफ दैट लाइक वाइज अगर कॉन की जरूरत बहुत ज्यादा है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी एंड कॉन्सिक्वेंटली रेंट ऑफ द लैंड दैट बेयर्स कॉन कॉन जहां जिस लैंड से ग्रो कर रही उस लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी एंड लास्टली ऑफ द लैंड इट्स लैंड की वैल्यू भी बढ़ सकती है सो डिमांड जहां बढ़ेगी तो उन चीजों की प्राइस भी बढ़ जाएगी लैंड की भी प्राइस बढ़ जाएगी लैंड्स इंट्रेंसिकली अलाइक नियर पॉपुलस प्लेसेस such as where the perimeter of the area that feeds them is great, will not only yield more rent for these reasons, but also more years purchase than in remote places. The land wo market be because transport cost That's it for William Petty.